अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो। ये फारम की मुर्गई की सालन बना रही हूँ मैं, ये इसकी रेसिपी देख लेंगे। और प्लीज़ स्किप करो नो को, फर्स्ट से लास्ट तक का देखो वीडियो, आओ इसकी रेसिपी देखेंगे। आज मैं फारम की मुर्गई की सालन बना रही हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। आओ बनाने का शुरू करेंगे। ये ऐसा पहले गला लेती हूँ, आधी प्याज ये पौ टी स्पून, हल्दी बहुत अच्छा रहता है ये बना के। तुम देखो फारम की मुर्गी, ये जरा खट्टे हार्ड चिकन, एक टीस्पून नमक, बस ये अच्छा भून लेती हुई। प्लीज वीडियो स्किप करो को, फर्स्ट से लास्ट तक का देखो। देखो मैं कैसा बनी करके देखो, ये बहुत घटा था सर। ये चिकन मामूली चिकन की सरकार नहीं, वो चिकन में फारम की मुर्गई कर को, ये देसी मुर्गई भी नहीं है, बीच की फारम की मुर्गई। एक बार ट्राई करके देखो, बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑयल में तलती हूँ गोश्त चिकन, मैं नहीं तल रही, ये बहुत ऑलरेडी चिकनी बहुत रचे, उसके वास्ते ये मैं ऐसा धुल लेती हूँ। ये ज़रा गलना, ये अच्छा कम से कम एक आधा घंटा तो भी गलना, बहुत घटता से ये हार्ड फारम की मुर्गी। देखो ये मुर्गी में अंडे रहते सो, अंडे वाली मुर्गी है। देखो छोटे छोटे अंडे, ये भी इसमें डालती हूँ। ये सेपरेट पकाती है, अलग उसकी रेसिपी डालती मैं इसे पका ले रही हूँ, जरा ना है सो उसके वास्ते इसमें बना ले रही हूँ। ये डेढ़ किलो मुर्गी ली थी मैं, अब पाक कर को कितना हुआ मालूम नहीं, मुर्गी तो डेढ़ किलो। आधा घंटा बंद करती हूँ ये, एक सीटी आते ही फ्लेम कम कर डालो, आधा घंटा सिम में रख डालो, अच्छा दम हो जाता है। वो गले तक का रेडी कर लेती हूँ ये। देखो ये लहसुन, दो टीस्पून होता लहसुन है, एक इंच होता अदरक, पूरा फ्रेश पीस को डाल रही हूँ मैं। आधी प्याज, जरी खोती मिर, खोपरा, देखो एक दो लौंग, इतना चकला खोपरा, एक छोटा नारियल में आधा, ये टोमेटो, दो फारम टोमेटो, छोटा सा एक नाटी टोमेटो। देखो इसे भी फाइन पेस्ट कर लेती है। देखो अच्छा गल गए, ऐसा गलना। एक टीस्पून होता, एक टेबलस्पून होता तेल डाल रही हूँ, होता अच्छे ये मैं प्याज तल को रखी थी सब तेल लिए, उसमें कलर ऐसा है सर। अदरक लहसुन, अदरक लहसुन प्याज लौंग कोतिमीर पूरा मिला को पेस्ट कर लीजिए। ये टोमेटो भी खोपरा पेस्ट कर लीजिए, ये भी डाल दो। दो टीस्पून मिर्ची पाउडर, ये ज़्यादा मसाला नहीं है, ज़्यादा मसाला यूज करके नहीं हूँ, नॉर्मल हमारे यहाँ जैसा बनाती वैसा बनी हूँ। धनिया पाउडर दो टीस्पून, छः
चिकन अच्छा गल गया है। जरा ये पके एक 5 मिनट बाद में चिकन डाल। 5 मिनट हुआ, 5 मिनट पक्को है, ये सब डाल दूंगा। टाइम बना के देखो, ये पालन की उड़ गई का सालन बहुत अच्छा रहता है। एक टाइम ट्राई करके देखो, एक 10 मिनट पके दो। देखो पक्को है ये, बहुत अच्छा रहता है। एक टाइम ऐसा बना के देखो, डिश आउट कर लेते। देखो रेडी है फार्म की मुर्गी का सालन। मैं सिंपल, ज़्यादा क्या भी मसाला नहीं, क्या भी नहीं। देखो ये रेसिपी ऐसा एक बार बना के देखो, बहुत अच्छा रहता है। ये मुर्गी भी टेस्ट रहता है, रागी बॉल में चावल के साथ सब खा सकती हूँ तुम्हें। मैं रागी बॉल चावल दो भी बना खाई हूँ, बना खूँ मैं ये दो भी, बहुत टेस्ट रहता है। एक टाइम तुम्हें पका को खा को देखो। प्लीज स्किप करो नो को वीडियो, फर्स्ट से लास्ट तक का देखो, समझ में आ जाता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो। जुम्मा मुबारक, तुम ना दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।